अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शोकर और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल मसले पर। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि वो एलएलएम करने के लिए यूके में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी बातों का पता ही नहीं है कि वो एलएलएम करके करेंगे क्या। वो ये सोचते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि जो मेरे आगे पीछे जानने वाले जो एलएलएम के लिए यूके जा रहे हैं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है कि वो एलएलएम करके करेंगे क्या। यूके में जो एलएलएम की डिग्री है वो एक नॉन क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है, उसका यूके में कोई फायदा नहीं है अनलेस आप कोई रिसर्च एसोसिएट लग जाएं या प्रोफेसर लग जाएं। लेकिन प्रोफेसर में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एटलीस्ट आप पीएचडी होंगे तो प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन करना क्या चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ करना क्या चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंसल्टेंट बहुत ज्यादा जितने भी स्टूडेंट है उनको मिस गाइड करते हैं, या उनको खुद भी नहीं पता होता कि एलएलएम के बाद वो करेंगे क्या। मैं देख रहा हूँ कि हद दर्जा स्टूडेंट एलएलएम के लिए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो पूछते क्यों नहीं है कि एलएलएम करने के बाद वो क्या करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आती। यूके में जो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो उसके दो तीन रूट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सोलिसिटर बनना है तो आपको लीगल प्रैक्टिशनर कोर्स, जिसको एलपीसी बोलते हैं, वो एलएलएम के कन्वर्जन के साथ भी आता है, आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि दो कोर्स, दो डिग्रियां आपको मिल जाएंगी, एलपीसी की भी और एलएलएम की भी। अगर आपने बैरिस्टर बनना है तो आपको बार स्टैंडर्ड बोर्ड में रजिस्टर होना पड़ता है, और उसके बाद आपको एक कोर्स होता है जिसको आप कहते हैं बीपीटीसी, पहले कहते थे आप बीबीसी बार वोकेशनल कोर्स उसको कहते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। ये इन दो सूरतों में आप यूके की कोर्स में प्रैक्टिस कर पाएंगे। सोलिसिटर आपको आसान अल्फाज में समझा दूं कि वो लोअर कोर्ट में पेश हो सकता है, जो बैरिस्टर है वो हायर कोर्ट में अपीयर हो सकता है। लेकिन अब मसला ये है कि आपने अगर पाकिस्तान से एलएलबी डिग्री कर ली है, ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट इन कोर्सेज में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको एक क्वालिफाइंग लॉ डिग्री होती है, जो साउथ एशियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से भी वीडियो देखते हैं, बांग्लादेश से भी देखते हैं, मैं साउथ एशियंस का बता रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनको जीडीएल एक कोर्स है वो करना पड़ता है। मेरी इस पे एक वीडियो मौजूद है, आप वो चेक कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा बीपीपी के मुतालिक, वो बीपीपी का एक कोर्स है उसके मुतालिक मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपने जीडीएल क्या करना है, वो कोर्स क्या है, उसका कोर्स कंटेंट क्या है। वो एक साल का कोर्स है, उसके बाद जीडीएल आपको हर सूरत करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपने सोलिसिटर बनना है या बैरिस्टर बनना है, आपको लीगल प्रैक्टिशनर कोर्स करना है या बीपीटीसी या बीबीसी करना है, जो भी करना है, तब जाके आप यूके में प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि आप एलएलएम करने के लिए बस आप जा रहे हैं और आपको कोई पता नहीं है कि ये आप इसके बाद करेंगे क्या। बहुत मुझे अफसोस होता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से डिस्कस करता हूँ। अभी चूंकि कल एक स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हुआ कि वो भी यही सोच के जा रहा था कि वो एलएलएम करेगा और वो डिग्री करेगा और फिर वहां पर प्रैक्टिस करेगा। सो मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत जरूरी है अपने लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरे जानने वाले भी यही पूछते रहते हैं, और बहुत सारे लोगों के जानने वाले जो लॉ स्टूडेंट है, पाकिस्तान तो है बेशुमार है, इंडिया में भी, साउथ एशिया में भी, उनको पता ही नहीं है कि वो एलएलबी के बाद एलएलएम करेंगे यूके में जाके, तो कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ पैसे जाया होंगे, टाइम जाया होगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा करें कि जो एलएलएम एलपीसी इकट्ठा कोर्स है या बीपीटीसी एलएलएम इकट्ठा कोर्स है उसको फोकस करें, ताकि कल को अगर आपको पाकिस्तान भी आना पड़े तो आपको एक फायदा जरूर होता है कि एलएलएम करने के बाद आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट का लाइसेंस इश्यू हो जाता है। लॉ गेट वगैरह तो आपको करना पड़ता है, लॉ सी गेट भी करना पड़ता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, आपके दो साल प्रैक्टिस के बच जाते हैं, आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट का लाइसेंस ही इश्यू होता है। पंजाब बार काउंसिल का तो यही सूल है, एजे के काउंसिल का भी यही सूल है, बार काउंसिल का, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फायदा होता ही है। ऐसा नहीं है कि आप बस यूके जा रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, कोई पता नहीं क्या होगा, फायदा नुकसान क्या है। बहरहाल ये एक, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इतनी बार मैं देखा कि उनसे मिस्टेक हुई, तो मुझे लगा कि उस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और सारे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट जो बन चुके हैं उनको भी बचे, और जो बनना चाह रहे हैं उनको बचे कि एग्जैक्टली उनको करना क्या चाहिए। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।